Operation among Operation among Run for Run for Operation कैसे रंग सर काफी मत खेला है Run for Operation Run for Operation Run for all All for one 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 Run for Operation Run for Operation Run for Operation Cooperation among cooperative. Cooperation among cooperative. Cooperative. Run for. Run for one. Run for cooperation. Run for cooperation. Run for cooperation. 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 बोल ना भाई. Cooperation यार इसे. बोल ना भाई. ऑल इंडिया सेवेंटी का ऑल इंडिया कोऑपरेटिव वीक पूरे हिंदुस्तान में जो सेलिब्रेट किया जाता है और उसी के चलते आज हम सोनकोट में रन फॉर यूनिटी का एक कार्यक्रम जो है कोऑपरेटिव वीक की कोऑपरेटिव की तरफ से हम ये मना रहे हैं, जिसमें हमारा मेन फोकस हमारी जो कोऑपरेटिव की उपलब्धियां हैं, रजिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटीज़ और जितने भी हमारे जो न्यू स्कीम्स हैं वो लॉन्च होती हैं वो सारी हम पब्लिक तक पहुंचे, इसके लिए ये हम करते हैं। हम तह दिल से मशहूर हैं म्यूनसिपलिटी चेयरमैन वाइस चेयरमैन संजीव शर्मा जी, हमारी एक सोनकोट की जानी मानी पर्सनैलिटी लाला कृष्णदेव वर्मा जी जो हमारे इस कार्यक्रम में आए और हमारे इसको शोभा बढ़ाया। मैं ये जो कोऑपरेटिव वीक है हमारे डिप्टी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी पुंछ की तरफ से उन्होंने इनिशिएटिव लिया कि ब्लॉक लेवल पर ये सेलिब्रेट किए जाएँ और आज वो ये हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी की तरफ से ऑल इंडिया लेवल पर आज 14 से 19 तारीख तक 14 से 19 तक कोऑपरेटिव वीक मनाया जा रहा है, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी सोनकोट ने आगे बढ़ के आगे निकल के इनिशिएटिव लेके इसको एक पूरे जुलूस निकाल के लोगों को एजुकेट किया है कि लोग कोऑपरेटिव सोसाइटी का फ़ायदा उठाएं, अपने घर में मशरूम पैदा करें, सब्जियां पैदा करें, दूध लगाएं, मछली के प्लांट लगाएं, जिससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, लोगों की प्रॉब्लम हल होंगी और कोऑपरेटिव सोसाइटी हर काम करने के लिए इनको सहयोग देती है, फंड देती है। सिर्फ लोगों से ये रिक्वेस्ट है कि आगे आओ और अपना काम करो, इसको बढ़ाओ। जो मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन है, सहकारिता जो मंत्रालय है, उसकी तरफ से ये वीक जो है ये 14 से 20 तक पूरे भारतवर्ष में ये सेलिब्रेट किया जा रहा है और उसी के तहत आज सोनकोट में भी ये रन फॉर कोऑपरेशन एक हमने प्रोग्राम रखा है, जिसमें हमारे यूथ जो हैं जगह से आए हुए हैं और वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो यूथ आर द बिल्डर्स ऑफ एवरी नेशन, हमारा यूथ जो है वो मजबूत होगा, हमारे लोग मजबूत होंगे और भारत आगे बढ़ेगा। इसी के साथ साथ मैं सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, जैसे कि गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल से हमारे लेक्चर साहब आए हुए हैं, उसके साथ जो टीचर आए हुए हैं, जो हमारे यहाँ ये कोऑपरेटिव सोसाइटी को देखते हैं, रजिस्ट्रार साहब जो असिस्टेंट रजिस्ट्रार हैं, उन्होंने भी ये इनिशिएटिव लेके इस कार्यक्रम को चलाया है, तो मैं इन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और अगर यूथ हमारा आगे बढ़ेगा तो देश जरूर हमारा जो है वो आगे बढ़ेगा।